हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिग टेक ट्री में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में हमारे टैपो मॉडल का, टीपी लिंक का जो ब्रांड है, उस कैमरे का हमने अनबॉक्सिंग किया था और उसमें हमें ये सब आइटम्स मिले थे। इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे कि इस कैमरे को सेटअप कैसे करना है। तो इसके साथ जो हमको ये अडेप्टर मिलता है, सबसे पहले इस अडेप्टर को इस पे लगाना है। ये इसकी पिन है, ये पिन आप देख सकते हैं, ये गोल वाली है जैसे पहले के चार्जर्स में आती थी। और इस पिन को इधर इसके पीछे लगाना है। इसकी जो लेंथ दी है केबल की, अच्छी खासी है। ये जो है 3 मीटर के आसपास है इसकी लेंथ, और जो कि बहुत अच्छी लेंथ मानी जाती है। अब इस पार्ट को मैं पावर पॉइंट पे लगा के और इस कनेक्टर को कैमरे से कनेक्ट कर दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कनेक्ट कर दिया है। ये हमारी इंडिकेटर लाइट है। ये लाइट बहुत ही यूज़फुल होती है। इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं, जो कि कुछ एरर है या कोई दिक्कत है तो इसी लाइट से समझ में वो आते हैं। और आप देखिए, ये ब्लिंक कर रही है। तो अलग अलग लाइट के अलग अलग मीनिंग होते हैं, वो आपको कैसे पता चलेंगे ये देखिए। ये इसकी मैनुअल है। इस मैनुअल में ये यहाँ पे अलग अलग लाइट जो आपकी जलेगी उसके क्या क्या मतलब होते हैं वो यहाँ मेंशन किया हुआ है। और फ्रेंड्स, आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि यहाँ पे दो लाल लाइट जल रही थी। आपको मैं इसको दिखा देता हूँ वापस से। इसको पहले बंद करता हूँ। ये देखिए, बंद कर दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लाल लाइट है, इनको बोलते हैं इंफ्रारेड लाइट। और यही आपके नाइट विजन में मदद करती है। नाइट विजन मतलब कि जब अंधेरा होता है, एकदम डार्क, कंप्लीट डार्क, इंसानी आंखों से देखा नहीं जा सकता, तो ये कैमरा उस टाइम भी देख सकता है। तो ये कैमरा कैसे देख सकता है? इन्हीं लाइट की वजह से। ये लाइट होती है इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड लाइट में इंसानी आंखें नहीं देख सकती, इसको सिर्फ कैमरा ही देख सकता है। तो इसमें नाइट विजन फीचर भी है। अब ये हमारी कैमरा को हमने कनेक्ट कर लिया है। अब इसको सेटअप करने के लिए हम फोन में ऐप इंस्टॉल करेंगे। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये इसकी जो मैनुअल है, इसकी मैनुअल में ये इधर बारकोड दिया हुआ है। आप इस बारकोड को स्कैन करके, जब स्कैन करेंगे तो आपका प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर जो होता है, और हमारा जो गूगल का प्ले स्टोर होता है, वो ओपन हो जाएगा। ऐप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में सर्च भी कर सकते हैं। तो आपको मैं इसमें सर्च करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे टीपी लिंक कैमरा। और ये देखिए, टीपी लिंक टैपो, ये ऐप आ गई है। इसको हमने यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। और ये ऐप हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। ओपन कर लेंगे। उसमें ये इनके टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आपको टिक करना पड़ेगा। और ये जो नीचे वाला है यूज़र एक्सपीरियंस का, अगर आपको जो डेटा शेयर करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। शेयर करने से कंपनीज़ को क्या होता है कि अगर आपकी ऐप जो है क्रैश हो रही है या कोई इशू आ रहा है, जो भी होते हैं, ये उसको डेटा कलेक्ट करते हैं और ऐप को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, आप चाहें तो ना करें। और इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब ये इसमें बोल रहा है कि अगर आपकी पहले से आपके पास कोई कैमरा है टीपी लिंक का, या कोई टीपी लिंक का कोई और प्रोडक्ट है, तो आपकी टीपी लिंक की आईडी बनी होगी, तो आपको यहाँ लॉगिन में जाना है। और अगर आप पहली बार टीपी लिंक का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ईमेल आईडी इस पर अपनी डालेंगे। मैं इसमें मेरी ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट कर रहा हूँ।
नेक्स्ट किया, मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ, एक पासवर्ड। फ्रेंड्स इसमें आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ऐसे तो ज़्यादातर लोगों को पता होता है, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जो हमने ईमेल आईडी डाली है उसी का पासवर्ड डालना है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपने ईमेल आईडी जो डाली है वो सिर्फ एक कम्युनिकेशन के लिए है, और ये पासवर्ड जो है ये आपका टीपी लिंक के अकाउंट के लिए है, तो आप दोनों सेम भी रख सकते हैं और नहीं भी रख सकते। ऐसे सेम रखना सेफ नहीं होता है, ठीक है। अब इसको हम साइन अप कर लेते हैं और यहाँ पे एग्री कर लेते हैं और ये कंफर्म। अब इसमें बोल रहा है ये जो मेरा मेल आईडी है इस पे एक एक्टिवेशन लिंक गया, तो इसमें आपको मेल आईडी खोलनी है, उसमें एक लिंक आया। फ्रेंड्स हम फिर ये अपना मेल खोलेंगे तो इसमें एक मेल आया होगा टीपी लिंक से, और यहाँ पे ये देखिए क्लिक टू फिनिश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो ये लिख के आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर टीपी लिंक आईडी हैज़ बीन एक्टिवेटेड। अभी आपकी एक्टिवेट हो गई है, अब आप ऐप खोलिए टीपी लिंक का, टीपी लिंक ये टैपो नाम से, इसको आप खोलेंगे। अब आपको लॉगिन में जाना है, क्रिएट में जाना है, क्योंकि हम इसको क्रिएट तो कर चुके हैं। लॉगिन जाएंगे और जो आपका ईमेल आईडी पासवर्ड आपने बनाया था उसको डालना है। मैं इसमें मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड मैं डाल दे रहा हूँ, और उसके बाद लॉगिन कर दिया मैंने, नोटिफिकेशन को अलाउ कर दिया है। अब ये मेरा लॉगिन हो गया है, ओके। अब मैं इसमें ऑल डिवाइसेस में जैसे जाता हूँ तो कोई डिवाइस दिख नहीं रहा, अब मैं इसमें ऐड करूँगा डिवाइस, ऐड में गया। अब ये इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, तो ये जो ये है ये हमारा कैमरा है और वो इंडोर कैमरा है, तो इंडोर कैमरा में जाएंगे। उसके बाद मॉडल पूछ रहा है, बहुत सारे इनके मॉडल आ गए हैं, तो मॉडल है TC70, तो इसमें हम TC70 को चूज़ करेंगे। ये देखिए TC70 इसको हमने चूज़ करा। अब ये बोल रहा है कि पावर अप एंड चेक द LED, इसको ऑन करना है कैमरे को, जो हम पहले ही कर चुके हैं, आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। और ये बता रहा है कि ऐसे रेड और ग्रीन लाइट जल रही है क्या, देख लेते हैं। ये देखिए ये रेड और ग्रीन लाइट जल रही है, ये देखिए, तो मतलब ये ठीक है। अब फिर अब इसको नेक्स्ट कर देंगे, और अगर ये नहीं जल रही तो फिर क्या करना है आप फिर कमेंट करके बताएं कि कोई दिक्कत है, तो हम आपको फिर बताएंगे कि उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है। इसको हम नेक्स्ट कर दिए। टर्न ऑन लोकेशन, अपने को लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी, तो ये आइकन आप इसमें देखेंगे लोकेशन का, ये है, ऑन कर लीजिए। एनेबल में इसको चूज़ करिए, वाइल यूजिंग द ऐप, इसको चूज़ कर लिया। फिर नेक्स्ट करना है, कनेक्ट टू डिवाइस। अब आपको जो आपके घर में वाईफाई होगा उससे इसको कनेक्ट करना है, इसको हमने कनेक्ट पे क्लिक किया। अब ये कनेक्ट हो गया है, अब क्या करना है देखिए, मेक श्योर यू हैव कनेक्टेड। चलो ये तो हो गया है, हाँ ये, अब आपका वाईफाई जो इसमें होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पे वाईफाई को सेलेक्ट करा है, ये मेरे वाईफाई का नाम है, मैं इसमें मेरे वाईफाई का पासवर्ड मैं इस पर डाल देता हूँ। ये फ्रेंड्स ये जो भी स्टेप्स है आपको पहली बार करनी है, फिर उसके बाद आपको ये लाइफ टाइम में कभी नहीं करना है, ये पहला सेटअप होता है। तो ये वाईफाई का मैं इसमें पासवर्ड में डाल रहा हूँ और मैंने नेक्स्ट कर दिया है, और यहाँ कनेक्टिंग टू योर नेटवर्क आ रहा है लिख के। देखिए ये बोल भी रहा है कनेक्टिंग टू वाईफाई, अब वाईफाई कनेक्ट हो गया है। तो ये जो आवाज आ रही थी आपके कैमरे से ही आ रही थी, अच्छा एक चीज़ आप जब इसमें देखेंगे तो कैमरे ने तो बोल दिया है कि कनेक्टेड टू वाईफाई, लेकिन यहाँ पे अभी भी कनेक्टिंग ही आ रहा है, तो वेट कर लेते हैं हम, ऐसा होना नहीं चाहिए नॉर्मली।
अब देखिए यहाँ पे इसका नेक्स्ट स्टेप आ गया है, पेयरिंग योर टैपो डिवाइस। अब आप इस कैमरे का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जो उसका मॉडल नंबर होता है ये वही रखा हुआ है। मैं इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ, आप यहाँ से नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं उसको टैपो ही रहने दे रहा हूँ। नेक्स्ट कर दिया मैंने। अब ये बोल रहा है कि आप का ये कैमरा कहाँ रखा है। ये सिर्फ एक आपकी मेमोरी के लिए होता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ बहुत सारे कैमरे हैं तो कौन सा कैमरा है, किस रूम में लगा है, उसके लिए है। तो ये बेबी रूम है, बालकोनी है, बाथरूम, मैंने जैसे इसको बालकोनी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर डॉग हाउस, आप इसको कहीं भी इसको ऑप्शन चूज कर सकते हैं। होम है, इसको नेक्स्ट कर दिया। अब देखिए कॉन्फ़िगरिंग लिख के आ रहा है इसमें। उसके बाद ये बोल रहा है कंप्लीट, आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यू हैव कॉन्फ़िगर्ड योर टैपो डिवाइस एंड इट्स रेडी टू यूज़। अब ये इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। अब मैं इसको साउंड्स गुड कर देता हूँ, या फिर आप माउंट टू द वॉल करेंगे, अगर आपको इसको दीवार में लटकाना है तो माउंट टू द वॉल आप चूज़ करेंगे। मैं इसको अभी माउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको नेक्स्ट कर दिया। ये इनका क्लाउड स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है कि मान लीजिए इस डिवाइस में मेमोरी कार्ड लगा या कुछ लगा है, कभी कुछ चोरी होती है तो आपका डिवाइस भी चला जाएगा, मेमोरी कार्ड भी चला जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप इनकी जो सर्विसेज हैं ये क्या करते हैं, आपके मेल पे मतलब कि जो अभी अकाउंट आपने क्रिएट करा टीपी लिंक का, तो ये टीपी लिंक के वेबसाइट पे आपके सारे सेव करेंगे वीडियोस को। और अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली कभी कैमरा चोरी हो जाता है या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो मैं अभी ये प्लान स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है ट्राइड फॉर 30 डेज नाउ, और अगला है स्टार्ट प्लान, तो ठीक है ट्राई पे अभी क्लिक कर देते हैं और ओके कर देंगे। उसके बाद सेटअप लोकल स्टोरेज है, कार्ड डालने के लिए बोल रहा है, अभी मैंने इसमें कार्ड नहीं लगाया है। गॉट इट। इसको ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने का आप टाइम कौन सा चूज़ करना चाहते हैं, तो ये बोल रहा है 3 AM to 5 PM। इसमें क्या होता है, कुछ कुछ टाइम में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, तो अगर आप उनको लेना चाहते हैं तो आप वो तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहता है, तो आपको बस सिर्फ टाइम चूज़ करना है। इसको हम गॉट इट कर देंगे। तो फ्रेंड्स जब हम इस स्टेप को कर देंगे तो आप ऑल डिवाइसेस में आएंगे, तो आपको ये दिखाई देगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग आपको नज़र आएगी, और आप यहाँ से कैमरे को सेटअप भी कर सकते हैं। ये देखिए आप लेफ्ट राइट इसको कैसे भी टर्न कर सकते हैं यहाँ से, और भी इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो फ्रेंड्स ये था कैमरा सेटअप, और आप इनके अगर इन फंक्शंस को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप उससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट्स हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए और भी वीडियोस ला पाएंगे। इस कैमरे में बहुत ही एडवांस भी फीचर्स हैं, आप जब इसके मेन्यू में जाएंगे तो आप उसको देख सकते हैं। तो उनको कैसे यूज़ करना है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।